So good morning class. Today we will start our next topic, estimation of sum in our lesson number 2 edition. आज हम अपना next topic estimation of sum start करेंगे हमारे lesson का. We can estimate the sum of two numbers before adding them by rounding them off. हम किसी भी दो numbers का sum निकाल सकते हैं लेकिन पहले उनको राउंड ऑफ करके उनका एस्टिमेशन निकाल के. मैंने आपको राउंडिंग ऑफ सिखाया हुआ है, राउंडिंग ऑफ टू 10, राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 100 एंड राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 1000. सेम वैसे ही हम किसी भी दो नंबर्स का राउंड ऑफ करके आंसर निकाल सकते हैं और उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एस्टिमेशन ऑफ सम. उससे हमें जो सम है उसका एस्टिमेट पता चलता है, उसका अप्रोक्स नंबर पता चलता है, एग्जैक्टली पता चलेगा, हमें उसका भी एस्टिमेशन पता चलेगा. ये हम क्यों करते हैं एस्टिमेशन ऑफ सम, कभी कभी हमारे पास बहुत ज्यादा बड़ी अमाउंट हो जाती है जिसको हमें फटाफट से सॉल्व करना होता है, और अगर हम प्रॉपर सम निकालेंगे, उसका एक्चुअल सम निकालेंगे, तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा. इसलिए हम शॉर्ट में, अगर हमारे पास टाइम की कमी है और हमें एक एक राउंड ऑफ नंबर चाहिए, राउंड ऑफ फिगर चाहिए, नियरेस्ट नंबर चाहिए, लगभग नंबर चाहिए, तो हम उसका एस्टिमेशन ऑफ सम निकालते हैं, जो कि हम माइंड में ही कर सकते हैं और उसके लिए हमें लिखने की जरूरत नहीं होगी और हम जल्दी से अपना आंसर निकाल पाएंगे. तो अब हम ये सीखेंगे कि एस्टिमेशन ऑफ सम कैसे निकालते हैं. सो लेट स्टार्ट. सबसे पहले हम ये एग्जाम्पल देखेंगे. सबसे पहले हमारा एग्जाम्पल है, फाइंड द सम ऑफ 56 एंड 72 बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 10. हमें इन दोनों का सम निकालना है, उनको राउंड ऑफ करके नियरेस्ट 10 पे. अब सबसे पहले इधर देखिए, 56 है, मैंने आपको बताया 56 को अगर हम नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ करेंगे तो 6 जो है वो क्या है, 5 से बड़ा, तो ये राउंड अप होगा और ये क्या बन जाएगा, 60. 6 की जगह पे 0 आ गया और 5 में प्लस 1 हो गया, तो ये हमारा बन गया 60. ऐसे ही देखिए 72. 72 में देखिए 2 को देखेंगे 5 से छोटा, तो ये क्या हो जाएगा, राउंड डाउन होके क्या बन गया, ये 70. सिर्फ 2 की जगह पे 0 आ गया. ये मैंने आपको राउंड ऑफ सिखाया हुआ है, नियरेस्ट 10 वैसे ही करना है सेम. तो 56 बन गया हमारा 60 और 72 बन गया हमारा 70. अब देखिए सबसे पहले हम एक्चुअल सम निकालते हैं कि ओरिजिनल सम कितना था 56 और 72 को प्लस करके. 6 प्लस 2 होगा 8 और 7 प्लस 5 हो जाएगा 12, तो इसका आंसर बन जाएगा 128. ये था हमारा एक्चुअल सम. अब देखिए एस्टिमेट सम क्या निकलता है इसका, 60 प्लस 70 को प्लस करेंगे, 0 प्लस 0 0 और 6 प्लस 7 हमारा क्या आ जाएगा, 13. तो ये बन जाएगा 130. तो आंसर इज द एक्चुअल सम इज 128 बट द एस्टिमेटेड सम इज 130. अब आपने देखा कि एक्चुअल सम हमारा 128 आ रहा था और एस्टिमेट आया 130. कितना क्लोज आया आंसर, सिर्फ टू नंबर्स का फर्क है. तो ऐसे ही एस्टिमेट में हमेशा क्लोज ही आता है आंसर, क्लोज आना भी चाहिए तभी हमारा एस्टिमेशन सही होता है. तो ये हम किस लिए करते हैं, इजी वे में अपने एडिशन को करने के लिए, फटाफट से एडिशन को करने के लिए. दिस इज द एस्टिमेशन ऑफ सम कि पहले जो भी आपको नंबर दे रखा है उन दोनों को आप एस्टिमेट करेंगे और उसके बाद उसका सम निकालेंगे. इसका एग्जांपल देखते हैं, इस एक्सरसाइज पे आइए. एक्सरसाइज नंबर 3 है ये, मैं आपको भी करने के लिए दूंगी. अभी पहले यहाँ पर देखिए, मैं आपको करके दिखाती हूँ. सबसे फर्स्ट देखिए, 18 प्लस 14 हमें बोला है एस्टिमेट द सम बाय राउंडिंग ऑफ बोथ द नंबर्स टू नियरेस्ट 10 देन फाइंड द एक्चुअल सम. हमें दोनों नंबर्स को पहले राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 10 पे और फिर उसका एक्चुअल सम भी निकालना है. इधर देखिए 18 जो है, 18 में देखिए हम किसको देखेंगे, 8 को. 8 राउंड ऑफ होके क्या बन जाएगा, 5 से बड़ा है, तो 8 क्या बन जाएगा हमारा, 18 हो जाएगा हमारा 20, क्योंकि 8 की जगह पे 0 और 1 के अंदर प्लस 1, तो 20 बन गया. और 14 क्या हो जाएगा, 14 में देखिए 4 जो है वो 5 से छोटा है, तो 14 हमारा क्या बन जाएगा, 1 0 10. 4 की जगह पे 0 आ जाएगा और
वन की जगह पे वन ही रहेगा। अब हम ये हमारा एस्टिमेट करके नंबर आए हैं। अब देखिए 0 प्लस 0 0, इनको प्लस करेंगे 0 प्लस 0 इज 0 और 2 प्लस 1 इज 3, तो एस्टिमेट सम हमारा आया 30। और इनको प्लस करो तो 8 प्लस 4 कितना होता है 12, तो 1 ऊपर 2 नीचे और 1 प्लस 1 प्लस 1 हो गया हमारा 3। तो देखिए एक्चुअल सम हमारे पास आया 32 और एस्टिमेट सम हमारे पास आया 30। दिस इज द एस्टिमेशन ऑफ सम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा वो है स्टोरी सम्स। स्टोरी सम्स में देखिए क्या होता है कि आपको कोई भी एक स्टोरी दे रखी होगी सम की फॉर्म में, प्रॉब्लम की फॉर्म में आपको एक स्टोरी दे रखी होगी, इसको हम स्टोरी सम्स भी बोलते हैं और प्रॉब्लम सम्स भी बोलते हैं। इसमें आपको सिर्फ नंबर्स नहीं लिखने होते, इसमें आपको स्टेटमेंट्स भी लिखनी होती हैं, क्योंकि आपको जो प्रॉब्लम है वो पूरी स्टेटमेंट्स में दे रखी है, इसलिए आपको सॉल्यूशन में भी स्टेटमेंट्स लिखनी होती है। हम इन्हें प्रॉब्लम सम्स भी बोलते हैं और इन्हें स्टोरी सम्स भी बोलते हैं। सबसे पहले देखिए हमारा एग्जाम्पल 1 जो मैंने यहाँ लिख रखा है, मीनू हैज 105 सॉन्ग्स ऑन हर कंप्यूटर। मीनू एक लड़की है जिसके पास, जिसके कंप्यूटर में 105 सॉन्ग्स है। हर फ्रेंड गिव्स हर अ डीवीडी विद 78 सॉन्ग्स। उसकी फ्रेंड ने उसको एक डीवीडी दी जिसके अंदर 78 सॉन्ग्स थे। इफ मीनू कॉपीज द सॉन्ग फ्रॉम द डीवीडी टू हर कंप्यूटर, अगर मीनू ने डीवीडी में से सारे गाने कॉपी कर लिए अपने कंप्यूटर में, तो हाउ मेनी सॉन्ग्स डज मीनू हैव ऑन हर कंप्यूटर इन ऑल, तो मीनू के कंप्यूटर पे टोटल सॉन्ग्स कितने हो गए। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर एडिशन में हमेशा ये नहीं लिखा होगा कि आपको ऐड करना है या सम निकालना है, आपको कुछ वर्ड दे रखे होंगे जिससे आपको जज करना है। देखिए लास्ट वर्ड क्या दे रखा है, इन ऑल। इन ऑल का मतलब क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ सॉन्ग्स और कितने हो गए, इन ऑल का मतलब टोटल। तो इसका टोटल कैसे निकलेगा, टोटल हमेशा सम से ही निकलता है, इसलिए आपको देख के पता चलेगा प्रॉब्लम सम्स में कि आपको प्लस करना है या फिर माइनस करना है। इन ऑल का मतलब एडिशन होता है, इसलिए हम इसमें एडिशन करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। अब सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट लिखनी होती है। सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट आपको क्या दे रखी है, मीनू हैज 105 सॉन्ग्स ऑन हर कंप्यूटर। अब हम सॉन्ग्स की बात कर रहे हैं तो हम स्टेटमेंट भी सॉन्ग्स की फॉर्म में ही बनाएंगे। सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट बनेगी हमारी सॉन्ग्स ऑन दी कंप्यूटर। कंप्यूटर पे कितने सॉन्ग्स थे, तो सॉन्ग्स ऑन दी कंप्यूटर इज इक्वल्स टू 105। ये हमारी बन गई फर्स्ट स्टेटमेंट, सॉन्ग्स ऑन दी कंप्यूटर इक्वल्स टू 105। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या दे रखी है, डीवीडी वाली, कि डीवीडी में कितने सॉन्ग्स थे, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट बनेगी सॉन्ग्स ऑन दी डीवीडी इक्वल्स टू। अब देखिए अगर हम सेकंड स्टेटमेंट लिखेंगे वो हम 105 के एग्जैक्ट नीचे लिखेंगे, तो हमारे पास 78 सॉन्ग्स है, तो हम राइट से लिखना स्टार्ट करेंगे हमेशा। जो 8 होगा वो हमेशा किसके नीचे आएगा, वंस प्लेस के नीचे, 5 के नीचे 8 आ जाएगा, 0 के नीचे 7 आ जाएगा, क्योंकि हम 1 से लिखना स्टार्ट करते हैं। तो 5 के नीचे 8, 0 के नीचे 7, और फिर आप प्लस का साइन लगा दोगे क्योंकि हमें इन दोनों को प्लस करनी है। अब हमारे दोनों स्टेटमेंट हो गई, दोनों नंबर हो गए। अब हम लाइंस ड्रॉ करेंगे हमारे एडिशन की जो लाइंस होती है, और हम अब तीसरी स्टेटमेंट लिखेंगे उन लाइंस के आगे। तीसरी स्टेटमेंट क्या है, हमें क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ सॉन्ग्स निकालने हैं, तो तीसरी स्टेटमेंट हमारी होगी टोटल नंबर ऑफ सॉन्ग्स ऑन दी कंप्यूटर। ये हमारी तीसरी स्टेटमेंट हो जाएगी और इसके आगे हम दोनों को ऐड कर देंगे। 5 प्लस 8 होता है 13, 3 नीचे 1 ऊपर, 1 प्लस 7 होता है 8, और 1 एज इट इज लिख देंगे, जो लास्ट वाला 1 है वो एज इट इज नीचे आ जाएगा, तो हमारा आंसर हो गया 183। अब हम सबसे लास्ट में एक आंसर की लाइन लिखते हैं, द टोटल नंबर ऑफ सॉन्ग्स ऑन द कंप्यूटर इज 183। ये आंसर की लाइन है, लास्ट में आप लिखोगे आंसर। ये थे हमारे प्रॉब्लम सम्स या फिर जिन्हें हम स्टोरी सम्स भी कहते हैं।
अब इसका हम एक एग्जाम्पल और देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है एक और एग्जाम्पल, इसी प्रॉब्लम सम्स या फिर स्टोरी सम्स का एग्जाम्पल है। इधर देखिए सारे बच्चे, अ वेजिटेबल सेलर अर्न रुपीज 485 ऑन मंडे। वेजिटेबल सेलर कौन होता है? सब्जियां बेचने वाला वेजिटेबल सेलर। एक वेजिटेबल सेलर ने मंडे को कितने पैसे कमाए? रुपीज 485। मंडे को उसने सब्जियां बेच के रुपीज 485 कमाए। अर्न का मतलब कमाना, अर्निंग मतलब कमाना। एंड रुपीज 649 ऑन ट्यूजडे, और ट्यूजडे के दिन उसने कितने पैसे कमाए? रुपीज 649। दोनों दिन की उसकी अर्निंग दे रखी है हमें, मंडे की और ट्यूजडे की। हाउ मच डिड शी अर्न ऑन दीज टू डेज? इन दोनों दिन में उसने कितने पैसे कमाए हमें ये बताना है। सबसे पहले देखिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमें स्टेटमेंट लिखनी होगी। अब हमारे पास सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बनेगी? अर्निंग ऑन मंडे कितनी हो गई? 485 अर्निंग ऑन मंडे, ये हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट होगी। सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? अर्निंग ऑन ट्यूजडे इक्वल्स टू 649, ये हमारी सेकंड स्टेटमेंट हो गई। अब दोनों को हमें प्लस करना है, तो हमने लगाया प्लस का साइन, फिर हमने लगाई दोनों लाइंस। अब हमारी थर्ड स्टेटमेंट क्या बन जाएगी? क्या निकालनी है हमें? टोटल अर्निंग निकालनी है, तो हमारी थर्ड स्टेटमेंट बन गई टोटल अर्निंग। और उसके बाद हम दोनों नंबर्स को प्लस कर देंगे। 5 + 9 होता है 14, तो 4 नीचे 1 ऊपर, फिर 1 + 8 होता है 9, और 9 + 4 होता है 13, तो 3 नीचे 1 ऊपर, फिर 6 + 4 = 10 और + 1 = 11, तो 1 नीचे और दूसरा 1 भी नीचे। नॉर्मल मैंने प्लस किया है, प्लस करना आप लोगों को आता ही है। तो टोटल अर्निंग हमारी हो गई 1134। तो लास्ट स्टेटमेंट क्या बन जाएगी हमारी? द वेजिटेबल सेलर अर्नड रुपीज 1134 इन टोटल। अब देखिए मैंने यहाँ पर रुपीस का साइन लगाया, क्योंकि हमें क्वेश्चन में भी रुपीस का साइन लगाया हुआ था। हमेशा पैसे जब भी लिखेंगे हम, रुपीस जब भी लिखेंगे, तो उसके आगे रुपीस का हमारा जो साइन है वो लगाएंगे। तो ऐसी मैंने नीचे भी रुपीस का साइन लगाया है, क्योंकि उसने पैसे कमाए हैं, इतने पैसों के लिए हमेशा रुपीस का साइन लगता है। वेजिटेबल सेलर अर्न रुपीज 1134 इन टोटल। दिस इज द आंसर।